इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देख रहे हैं हमारा खास शो कोरोना से जंग, स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आंख ही ऊपर वाले का वो तोहफा है जो दुनिया के सारे खूबसूरत रंग दिखाती है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने कुदरत के इस अनमोल तोहफे की कद्र करना भूल जाते हैं। आंखों की इसी अहमियत की याद दिलाने के लिए पहले 30 सेकंड का आप एक छोटा सा वीडियो देखिए। आसमान, हरियाली, इंद्रधनुष के रंग, पहाड़ों की ऊंचाई, समुद्र की गहराई और रात के अपनों का चेहरा, अगर आप ये सब देख पाते हैं तो जान लीजिए कि आप खुशनसीब हैं, क्योंकि देश के लगभग 1,20,00,000 लोगों को ये खुशी हासिल नहीं है, यानी कि उनकी आंखों में रोशनी नहीं है। बावजूद इसके हम अपनी आंखों का ख्याल नहीं रखते हैं और छोटी छोटी गलतियों की वजह से आंखों की तमाम बीमारियां हो जाती हैं। कोरोना काल ने तो देश में आए पेशेंट्स की संख्या को काफी गुना बढ़ा दिया है और हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल, इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना में लॉकडाउन के दौरान देश के तकरीबन 28 करोड़ लोगों की नजरें कमजोर हुई हैं। इस दौरान लोगों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है। दिन में 6 घंटे से ज्यादा लोग गैजेट्स पर अपना समय बिता रहे हैं। बढ़े हुए स्क्रीन टाइम का नुकसान 10 से 15 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर नजर की शिकायत लेकर आने वाले 100 में से 50 मरीज छोटे बच्चे हैं। वीक आई साइट के साथ साथ कोरोना काल में आंखों की दूसरी बीमारियां भी बढ़ गई। वायरस के डर से लोग ना तो अपने ग्लूकोमा को लेकर अस्पताल पहुंचे, तो वहीं मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी टल गए। जबकि भारत में 55% लोग सिर्फ मोतियाबिंद की वजह से अपनी नजर गंवा देते हैं। कोरोना के बाद आई ब्लैक फंगस की आफत ने आंखों के लिए और मुश्किल बढ़ा दी। मीनाक्षी, जब तक कोरोना है तब तक ऑनलाइन पढ़ाई और काम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कुछ किया अगर जा सकता है तो वो ये कि अपनी आंखों की सेहत पर ध्यान दिया जाए, और यही बताने वाले हैं आज स्वामी रामदेव कि योग और आयुर्वेद के जरिए कैसे आंखों को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो स्वागत करते हैं, आज तो शीर्षासन के साथ स्वागत करना होगा। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी शीर्षासन में हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी की ज्योति को और मीनाक्षी जी के भी योगत्व को। और देखो कमोबेश करीब करीब 50% लोग आज आंखों की समस्याओं से पीड़ित है। किसी को आंखों का चश्मा है, किसी को कैटरेक्ट ग्लूकोमा है, तो किसी को आंखों में एलर्जी, किसी को आंखों में लालिमा, किसी को ड्राई आंख है। हमारे इधर ये बैठे हुए हैं हमारे आईसी अग्रवाल साहब, त्राटक करो आप भी आईसी अग्रवाल साहब, इनकी आंखों की पलक झपक करके फिर उठती ही नहीं थी। ये भी एक बीमारी है, पलक गिर गई थी। और ये जो मेरे साथ में बिटिया कर रही है पूर्वा, शीर्षासन हम सर्वांगासन करो बेटा, शीर्षासन सर्वांगासन ये सब करने से, लेकिन ये 5 मिनट करना पड़ेगा। कुछ लोग 5 सेकंड करते हैं, ऊपर किया और फिर नीचे आ गए, मात्र इतने से बात नहीं बनेगी। एक एक अभ्यास ऐसे 5-5 मिनट करना पड़ेगा। और चलो जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सकते हैं वो करो, और आप त्राटक करो दीपक का ऐसी साहब, आंखें खोल के कंटिन्यू देखते रहो। अब इनकी जो पलक झपक करके उठती नहीं थी और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इसमें तो कितना समय लगेगा, 6 हफ्ते 8 हफ्ते, हाँ 6-8 हफ्ते बता दिया था, फिर कितने दिन में ठीक कर लिया। हाँ चालू है ये 6 हफ्ते 8 हफ्ते बताया, फिर उन्होंने दवा दी तो वो लगी आपके पेट में जो है वो माँ के पेट में जब बच्चा आता है तो जो फ्लूड भरता है वैसे फ्लूड भर जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, ये सब हो जाएगा। तो मैंने फिर क्या किया कि
मतलब वैसे तो रोज ही करता था प्राणायाम, अनुलोम विलोम बढ़ा दिया, पर फिर मैंने अनुलोम विलोम और भस्त्रिका और कपाल भाती और बहुत ज्यादा मतलब 1.5 घंटे करने लगा तीनों। तो फिर जो है 10 दिन बाद मैंने देखा मेरी आंख एकदम ठीक है, तो मैं डॉक्टर साहब पे गया, तो बोले आप 10 दिन में कैसे ठीक हो गए और आपके नाल वजन 4 किलो घट गया, आपका जो है शुगर बीपी भी सही है, सब सही है, ये हो कैसे गया आप मेरे को बताओ। तो मैंने सब बताया कि भैया 1.5 घंटे ये सब किया दवा के साथ साथ, तो इसका ये फायदा हो। चलो बैठ जाओ भाई, अब देखो बैठो बेटा। पूर्वा तेरे को क्या था? पूर्वा देखो आज ये देखो छोटा सा बालक बैठता है, इसकी तो आंख लाल रहती थी, ये भी ठीक हो गया। क्या नाम बेटा आपका? भव्यांश। इसकी क्या हो रहती थी आंखें? आंखों में रेडनेस ही रहती थी, एलर्जी हो जाती थी, आंखें लाल हो जाती थी और धूप की वजह से लाल हो जाती थी, धूप की वजह से लाल हो जाती थी। क्या नाम है? भव्यांश। अब इसकी धूप की वजह से, बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से और गैजेट्स के ज्यादा इस्तेमाल से वर्क टू होम बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। चलो बेटा अनुलोम विलोम करो आप भी, इसने तो शीर्षासन सर्वांगासन भी बच्चा अच्छा करते हैं, भी बेटियां कर रही हैं शीर्ष सर्वांगासन, कितना बढ़िया कर रही है, उसके पास ले जाना भाई माई। अनुलोम विलोम करो सब, शीर्षासन सर्वांगासन अनुलोम विलोम, ये सबसे बड़ा योग है, सब करो ये। और तेरे को क्या था? स्वामी जी जब मैं हॉस्टल लाइफ में चली गई थी तो मेरा लेट नाइट जगने की वजह से, सुबह लेट उठने की वजह से स्पेक्स लग गया था और वो हर महीने -0.25 इंक्रीज हो रहा था और मतलब वो पहुंच गया था 1-1.25 तक। तो फिर मुझे लोगों ने कहा कि लेज़र ऑपरेशन कर लो, लेज़र से ठीक हो जाता है। मैं लेंस यूज़ करती थी बट जब लेंस उतारती थी तो ऐसा लगता था कि कुछ वेट मतलब उतारा है और बहुत आईज़ रेड हो जाती थी। तो मैंने सोचा लेज़र ट्राई करने से पहले लेट्स ट्राई दीज आयुर्वेदिक टेक्निक जो आप बताते हैं। तो मैंने 2-3 टेक्निक करी थी जो आप हैंड्स रब करके बताते हैं और ये वाला करते हैं ऐसे। हाँ जी, और मुंह में पानी भर के आँखों पे स्प्लैश करना है। वो तो मतलब मैं क्लास से, जैसे क्लास ख़त्म हो गई, 2 मिनट का ब्रेक हुआ तो इंस्टीड ऑफ टॉकिंग टू समवन मैं वॉशरूम में गई, अपना आई स्प्लैश करी। अब क्या हाल है तेरा? एकदम सही है। चलो भाई, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन लेंस। अभी क्या लेंस ना स्पेक्स कुछ भी नहीं, ये बेटियों ने बहुत लाभ पाया है। अब ये और टेक्निक है, देखो इधर ये हो रहा है, ये उड़द का आटा लगा दिया आंख पर, इसमें अब महा त्रिफला घृत थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। इसकी भी आंखें बहुत गड़बड़ थी, उसके बगल वाले को नशे दे रहे हैं, इसको अक्षय तर्पण दे रहे हैं, फिर जल लेती सूत्र लेती और त्रिफला से आईवास भी बताएंगे। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, शीर्षासन और सर्वांगासन, ये सबसे बड़ी चीजें हैं। अनुलोम विलोम करो सब बच्चे। तुमको क्या था बेटा? स्वामी जी मुझे ना लेजी आई की प्रॉब्लम है बचपन से ही। लेजी आई, ये आंखें भी लेजी हो जाती है माने? लेजी आई में क्या क्या होता है बताओ। स्वामी जी मेरा एक आंख का नंबर 6+ था। आंखें लेजी हो जाती है, आलसी हो जाती है, मतलब प्रमादी हो जाती है। फिर और मेरे भाई को भी यही है, बचपन से है हम दोनों, बचपन से है ये हम दोनों को। तो अब ये होता था कि अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जाते हैं तो हमें मिलती नहीं है, तो पेपर क्लियर हो जाते हैं पर हम जा नहीं पाते। कई बार ऐसा होता था कि अगर आँख में कुछ धूल घुस गई तो हम घर भी पहुँच पाते, बिल्कुल अंधो वाली फीलिंग आती थी। ओहो। तो बस मैंने फिर त्राटक किया और जो आँख खराब है उसी से किया, तो उसी से काफी लाभ हुआ। जो त्राटक कर रहे हैं हमारे आईसी साहब यही किया इस बिटिया ने। क्या नाम बेटा? अदिति। अब क्या हाल है? अभी मेरा काफी लाभ हो रहा है। इसके लिए लेजी आई अच्छी हो गई। और तेरे को क्या था? अनुलोम विलोम कर। मेरा नाम ज्योत्सना है और मैं जब 8 साल की थी तब मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी, तो मैं गाड़ी में पढ़ती थी, उसके चलते मेरे आँख बहुत खराब हो गए थे। चलती गाड़ी में बुक्स पढ़ती। हाँ, मैं बहुत पढ़ती थी तब, तो उसके चलते मेरा वो डॉक्टर्स बार बार मुझे बड़ा नंबर देते गए, हर साल एक नंबर बढ़ता गया। कितना बढ़ गया था मेरा? फिर -4.25 आ गया। वही 12 साल तक मेरा -4.25 आ गया था, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर वो स्टेबलाइज हो गया था थोड़े दिन के लिए। फिर उसके बाद मैंने अभी ये 6-7 महीना 1 साल में ही कम किया है और अभी मेरा -3, -2.75 आ गया। रिवर्स गियर लगा दिया। ज्योत सिन्हा जी आज तो लगता है आप पूरा आधा घंटा ही शीर्षासन करने वाली हैं और मीनाक्षी जी सर्वांगासन। भाई चलो जल्दी ताली बजा दो भाई। हमने सोचा अपनी आंखों की रोशनी को और तेज कर ले स्वामी जी।
चल बे, बात अच्छा कर लिया। ये तो बच्चों था, ये बुजुर्ग है हमारे। कितने साल उम्र है बाबा? सर मैं निसार छात्र गुरु से कैप्टन फकीरचंद, मेरी 74 साल उम्र चल रही है। 74 साल की उम्र, और चश्मा कब से था? मेरा चश्मा तो पहले शुरू हो गया था जब मैं फौज में था। फौज में थे तो उस समय मैं लिखने पढ़ने का, क्यों मैं सुबेदार मेजर था तो मेरा काम काफ़ी लिखाई का होता था, पैसे का लेन देन मेरे पास रहता था, तो मैं चश्मा यूज करता था 2 नंबर तक का। मैं 2005 में 13 फरवरी 2005 में आपके योग से जुड़ा था, आपसे जुड़ा था। अब आँख का चश्मा नहीं है सर? मैं, मेरे पास धागा है, अगर किसी के पास नीडल है तो मैं बगैर चश्मे के धागा डाल सकता हूँ नीडल में। सुई में धागा मेरे पास है। मैं चश्मा के बगैर अखबार पढ़ता हूँ। और मेरे को 2013 में कह दिया था फौजी डॉक्टर ने, बोला आपको सफेद मोतिया हो गया, क्यों मेरी आंख से थोड़ा पानी गिरना शुरू हो गया था जब मैं मोटरसाइकिल पे चलता था। वो भी ठीक कर लिया मैंने 2013 के बाद में। उससे पहले 15 मिनट अनुलोम विलोम करता था, 15 मिनट के बाद भारती, फिर मैंने आधा आधा घंटा बढ़ा दिया। आज तक मैंने ना कोई दृष्टि के अलावा दवाई डाली और ना ही कोई मतलब और दवाई खाई, मैं सिर्फ दृष्टि डालता हूँ, आधा घंटा से ज्यादा कपाल भर अनुलोम विलोम करता हूँ, और मैं बगैर चश्मे के सुई में धागा डाल सकता हूँ कितनी भी बारीक सुई हो। ये इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकता। साहब लगाते थे स्वामी जी, अब दर्शक जो है लगातार एक बहुत बड़ा सत्य षड्यंत्र जच्चा बच्चा के प्रति चल रहा है। बच्चा जब पैदा होता है, खास करके लड़का, उसका मुंह में गंदा पानी डालती है नर्स। चलो अरे ये सर नहीं सर, मैं ये बात कहूंगा भी, इस माध्यम से आया हूँ, मेरे को मैं 15 साल से बोल दो फिर स्वामी जी। बच्चा कुछ छोटे डॉक्टर के पास जाता है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, सबसे पहले पूछता है कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी, किसमें डिलीवरी हुई थी। उसके बाद जो है नर्सिंग के, जो नर्स के पास पैसा चला जाता है, और वो डॉक्टर उससे जो है कम से कम भी लाखों रुपए कमाता। चलो बाबा हो गया हो गया। स्वामी जी ऑनलाइन हो चुकी बच्चों की जिंदगी पे, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। होती है ना जी 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 जी, मैं ये कह रही थी स्वामी जी, अब ऑनलाइन हो चुके बच्चों की जिंदगी पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। बैठ जाओ बाबा जी, बात मानते हैं ना। बच्चों की नफर पर बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा है। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, जब भी मैं जर्नी करती हूँ तो दिन सडनली स्वामी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना स्वामी जी? ये दोनों बहने हो तुम जी? कजन सिस्टर्स है। क्या प्रॉब्लम थी तुमको? आई का प्रॉब्लम है, जब भी जर्नी करते हैं। कहाँ से आई हो? अरुणाचल प्रदेश से सर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल से आई है, ये देखो पूरा पहाड़ से लेकर मैदान सब अच्छा हो रहा है। चलो दोनों बेटियों का भी बहुत 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 दूर से आई है, और ठीक कर लिया अभी आके? अभी हो ही रहा है। बात अच्छी बात, बैठो दोनों बेटियां बैठ। हाँ कुछ कह रहे थे आप मीनाक्षी जी, बाकी चलो इधर जल लेती सूत्र लेती जी। स्वामी जी मैं बच्चों की बात कर रही थी कि बच्चों की लाइफ अब कंप्यूटर के आगे, फोन के आगे, लैपटॉप के आगे बीत रही है, उनकी आंखों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। तो बच्चों की आंखों में दर्द और जलन से राहत मिले, इसके लिए आप कोई 3 उपाय या 3 योगाभ्यास कुछ ऐसा समझाएं जो बच्चों को इंस्टेंट लाभ दे। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम तो बता दिया, अब चलो सब ये सूर्य नमस्कार भी करते हैं, और ये जल लेती सूत्र लेती और त्रिफला से आईवास, ये 3 चीजें एक साथ हम दिखा रहे हैं। ये तीनों में से कोई भी एक चीज कर ले, जल लेती कर ले, सूत्र लेती कर ले, या त्रिफला रात को भिगो दिए सुबह उससे आईवास कर ले। रात को मोटा मोटा, बारीक नहीं, मोटा मोटा, यह हरड़ बहना आंवला जो यहाँ रखा है ऐसे मोटा मोटा रात को भिगो दिया और सुबह उसी से आंखें धो ली, जैसे पूर्वा बता रही थी, ऐसे मुंह में पानी भर के आंखों को धो लिया। जल नेति, सूत्र नेति और त्रिफला से आईवास। और फिर देखो, जो अक्षी तर्पण पूरा नहीं कर सकते तो ये महा त्रिफलाग्रित आंख में ऐसे ही डालें जैसे दृष्टि और सौम्य आई ड्रॉप हम डालते हैं। और जो नशे पूरा नहीं कर सकते वो सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, अणु तेल सबसे बेस्ट है, अथवा गाय का घी आंख में डाल ले। कान के अंदर जो है आई ग्रिट ऑयल बना, ईयर ग्रिट ऑयल बना दिया हमने, और नाक के अंदर तो अणु तेल, ऐसे छोटे छोटे आंख ना कान का एक ही कनेक्शन है। तो ये उपाय भी करें, और बच्चों को गाजर, चुकंदर,
और ये इधर रखी है जामुन, गाजर, चुकंदर, जामुन, इसका जूस। ये विटामिन ए को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रेटिनॉल भी बोलते हैं। ये रेटिना के लिए सबसे अच्छी है, आँखों के लिए। सबके जो है आँखों का जो लेंस होता है वो जो हमारे ये फिल्म होती है ना जिसमें एक्सरे आदि कराते हैं, जो फोटो खींचते हैं उसी की तरह होता है। तो ये लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। तो बच्चों को सूर्य नमस्कार भी कराएं, बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम भी कराएं और कपाल भाति भी कराएं। और ये अभ्यास जो कर लेंगे बच्चे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज जो है एक साथ जल नेति, सूत्र नेति, त्रिफला से आयुवास, और इधर जो है फिर ये आंखों में त्रिफला डाल करके घी, और फिर वापस देखो इसको धार भी डालते आंखों के ऊपर, उसको रुए के अंदर लेके बहुत साफ कॉटन उसको डुबोया और डुबो करके और फिर उसको भर करके और फिर उसको निचोड़ देते उसी में। तो ऐसे आंखों को फिर खोलते और बंद करते हैं। तो एक बार तो थोड़ा सा घी लगता है लेकिन ये बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। और जल नेति, सूत्र नेति जी, और आयुवास भी एक साथ हमने बता दिया, साथ में ये सूर्य नमस्कार भी बता दिया। अच्छा स्वामी जी, सूर्य नमस्कार के साथ साथ कुछ अभ्यास आगे झुकने वाले, कुछ अभ्यास पीछे झुकने वाले जी। स्वामी जी एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 6 घंटे से ज्यादा के स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में स्क्विंट बढ़ रहा है। बच्चे क्लासेस के बीच ऐसा क्या करें या कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें सूर्य नमस्कार के अलावा जो फॉरवर्ड बेंडिंग आप बता रहे हैं, जिससे आंखें थोड़ी रिलैक्स्ड हो पाए? तो देखो आंखों को रिलैक्स करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताते, ये तो सुबह सुबह ही करना पड़ेगा, शशकासन, उष्ट्रासन अथवा सुप्त वज्रासन, ये तो सुबह सुबह खाली पेट कर ले। एक इसका छोटा सा उपाय है, देखो बहुत हल्का सा उपाय है। क्या करें, आंखों को ऐसे गोल गोल घुमाएं, देखो ऐसे आंखें उसे नीचे की ओर देखा, फिर दाईं ओर देखा, अब ये दाईं ओर जो अक्षय तर्पण कर रहे हैं मैं सीधा बैठा हूँ, दाईं ओर मैं ऐसे आंखों को घुमा के देख रहा हूँ तो ये दिख रहा है मुझे, फिर ऊपर की ओर देखा, फिर बाईं ओर देखा तो बाईं ओर जो सारे योग कर रहे हैं सब मुझे दिख रहे हैं, बाईं ओर देखा, फिर नीचे की ओर देखा, ऐसे पूरी गोलाई में थोड़ी देर ऐसे आंखों को यूं गोल गोल घुमा लें। एक तो ये उपाय है, ऐसे ऐसे एक तरफ से, फिर ये दूसरी तरफ से ऐसे, इसको 10-20 बार ऐसे कर लें, फिर थोड़ी देर आंखें बंद कर लें ऐसे, ये आंखों का शवासन है, विश्राम कर दिया, फिर दोनों हाथों को ऐसे करके और ये आंखों हाथों की दो हथेलियों की चलो करो सब हथेलियों की गरम गरम जो ऊष्मा है इससे आंखों की सिकाई कर लेते हैं। ये ले, ये आंखों की सिकाई हो गई तो आंख एकदम रिलैक्स हो जाती है। तो ये दो उपाय, तो ये तीसरा, फिर ठंडे पानी से आंखों को धो ले बीच बीच में हर 2-3 घंटे के बाद। फिर ये देखो ये पहली और दूसरी उंगली के बीच में यहाँ से दबा लें, इससे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। कभी भी कर सकते हैं, क्लास में बैठे बैठे जब भी आंख थकने लगे तो ये कर लें। फिर छोटे छोटे उपाय, मैंने आंखों को गोल गोल घुमा लिया, गर्म हथेलियों से आंखों की सिकाई कर ली, आंखों को धो लिया ठंडे पानी से, और सोम में जो आई ड्रॉप है वो सब बच्चों को रखनी चाहिए। सोम में जो आई ड्रॉप है वो इतनी अच्छी है कि इसको ये आंखों में लगती नहीं है। एक छोटे बाबू इधर आओ, दूसरे भी छोटे बाबू इधर आओ, देखो ये लेट जाओ, ये बिल्कुल भी आंख में ऐसे इधर करूं और ये आंख में बिल्कुल भी लगती नहीं है, और आंख खोलो, ये देखो बिल्कुल नहीं लगती, घबराओ मत। अब ये बच्चों को आराम से 1-2 बूंद डाल दी, इसको अपनी जेब में ही रखना चाहिए बच्चों को, ये सोम में आई ड्रॉप है, बाकी ये
गुलाब जल को भी डालते हैं आंखों में, गुलाब जल के अंदर ये सूखा आंवला रात को डाल करके रख देते हैं तो फिर ये तैयार हो जाती है, इसको 24 घंटा भिगोने से। बैठो बेटा, बैठ जाओ। है? आपको क्या था, इसकी तो आंखें लाल रहती थी, ठीक हो गई। आपको क्या होता था? धूप से एलर्जी थी मेरे को ना, पहले धूप देखता हूँ ना तो आंखें नहीं खुलती थी और आंसू आने लगते थे। ये बच्चों को बताओ धूप से एलर्जी होने लगी, ऐसे लेट जाओ, उधर पैर करो। और अभी मैं योगा करता हूँ तो अभी ठीक है एकदम। अब योगा करके ठीक हो गया। क्या नाम है आपका? भव्य। अब देखो ये सोम में आई ड्रॉप है, बिल्कुल नहीं लगेगी। स्वामी जी ये जो आई ड्रॉप्स है, एक बार तो लगता है कि क्या डाल दिया। जैसे इस बच्चे ने बताया कि धूप देखने से आंखों से पानी टपकने लगता था, कई लोगों के बीच में मैंने ये शिकायत भी सुनी है कि वो रोशनी एकदम से देख लेते हैं तो अपनी आंखें नहीं खोल पाते हैं, तो क्या इस तरह की आई ड्रॉप से उन्हें भी राहत मिलेगी जिन्हें आंखों में ड्राइनेस? वो तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और बड़ी खतरनाक बीमारी होती है जी। तो देखो, एक तो हमने शशकासन और सुप्त वज्रासन बताया था, अब आप लोग ऐसा करो उल्टे लेट जाओ। चलो अनुलोम विलोम तो करना ही है, उल्टे लेटो। ये मकरासन भुजंगासन भी करना है, और क्या करना है? और 200 ग्राम आमल के रसायन, 20 ग्राम सप्तामृत लो, 10 ग्राम मुक्ता शक्ति, 4 ग्राम मोती पिष्टी, बहुत ज़्यादा आँखें कमज़ोर हो गई हैं तो चांदी की भस्म 2 ग्राम और रसराज रस वसंत कुसुमाकर रस जो उपलब्ध हो जाए 2 ग्राम वो भी डाल ले। इससे आँखों में कोई भी दिक्कत है, माने ग्लूकोमा से लेकर के दृष्टि आई ड्रॉप तो जो हमने पहले भी बताई थी आज भी बता रहे हैं, जो है सफ़ेद प्याज अदरक और नींबू का रस 1-1 चम्मच, शहद 3 चम्मच मिला करके हमने दृष्टि बनाई है। बस ये जिनकी बहुत ज़्यादा आंखें लाल रहती हो, आंखों में कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो किसी भी प्रकार का, उनको यूज नहीं करनी, बाकी सब यूज करेंगे और जो आसन आज बता रहे इनको करेंगे। तो अनुलोम विलोम शीर्षासन और सर्वांगासन में से एक भी कर लिया तो उद्धार तय है, बाकी तो जितना कर सकें ये एक्स्ट्रा में है सारा का सारा ऐसे। तो ये इसी से हमने आजकल आई ग्रिट भी बना दी है, सब चीज़ें लोग मिल नहीं पाती थी तो ऐसी आँख की दवाई भी इस्तेमाल कर। और गाजर चुकंदर अनार और ये जामुन का जूस पिए, आज हमने जामुन का जूस भी रखा हुआ है। गाजर और चुकंदर अनार और ये जामुन का जूस आज बच्चों को पिलाएंगे, ये आंखों के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। स्वामी जी एक और सवाल है, देखो घी जरूर खाएं 2 चम्मच, महात्रिफला घृत खा ले तो और अच्छा है जी। सवाल ले लो आप, महात्रिफला घृत दूध में डाल के खा ले, ऐसे भी 2 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए जी। स्वामी जी मोतियाबिंद पहले बड़ी उम्र के लोगों को होता था, लेकिन अब ये 40 साल के लोगों को भी परेशानी आ रही है, और तो और लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अपनी मोतियाबिंद की सर्जरी तक टाल दी। तो जिन लोगों ने अपनी सर्जरी टाल दी है या अभी इसमें वक्त है, तो वो लोग घर बैठे कैसे अपना उपचार कर सकते हैं? हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं, ये कैटरेक्ट की सर्जरी, ग्लूकोमा की भी सर्जरी करते हैं लोग, और भी बहुतों को डबल विजन, कलर विजन, न जाने कौन कौन सी ड्राई आइज की, और जैसे आंखों का पलक झपकना के उठना नहीं, ऐसे बहुत तरह की लेजी आइज, कई तरह की जो प्रॉब्लम्स है, और इसमें जो कुछ में तो सर्जरी रिक्वायर्ड है, ऐसे भी केस हैं मैंने देखा है। और यहाँ पर हमारे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं, ये जो आप इधर देख रहे हो भाई बहनों को, इनमें काफ़ी ने अपना कैटरेक, काफ़ी ने अपना ग्लूकोमा ठीक किया है। यही जो मैंने अभी आँख का भी उपाय बताया था, खाने की दवा और डालने के लिए दृष्टि आई ड्रॉप, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो जितना बन पाए उतना कर ही लेते हैं। इसके साथ साथ ये आँख का पॉइंट दबाएं 5-5 मिनट, ये यहाँ पर ऐसे दबाते बेटा, अब आपको कभी भी आँखों की एलर्जी नहीं होगी जी, ऐसे पहली और दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ से ये पॉइंट दबाएं। और इसके साथ साथ ये जो अनुलोम विलोम करो, आप दोनों करो अनुलोम विलोम करना, ये हमने
नींबू प्याज अदरक ये, और इसमें शहद मिला दिया, हनी, हम हनी मिला देते हैं, एक प्योर हनी इसके अंदर, फिर ये दवाई घर पे तैयार कर सकते हैं। दृष्टि, ये आई ड्रॉप जो हम बनाते हैं इसके अंदर यही फार्मूला इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, कोई इसमें रहस्य की बात नहीं है। इसलिए हम कहते हैं सबसे पहला प्रयत्न करो, आप अपने घर में अपना उपचार तैयार करो। तो एक एक चम्मच ये रस लिया और इसके अंदर 3 चम्मच फिर हनी मिला दिया, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, इसमें पानी टच नहीं करना, 1 चम्मच ये अदरक का रस और 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का, 1 चम्मच नींबू का रस। अभी एक एक चम्मच ये हो गया, अब इसमें 3 चम्मच शहद मिला दिया, शहद जो है 3 चम्मच मिलाना है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, अब ये दवाई तैयार हो गई। और इधर भाई को नशे दे रहे थे, तो इसको ये तो इधर आँख की दवाई तैयार हो रही है, नशे में पहले मसाज करते हैं, आप आँखों की दवाई तैयार कर रहे हैं, नशे उधर किया जा रहा है, फिर उसको मैं त्राटक कर लेती हूँ। और अब ज्योत्सना की जिम्मेदारी है सवाल पूछने की। बिल्कुल स्वामी जी, आई ड्रॉप तो आपने तैयार कर लिया है, मीनाक्षी भी त्राटक कर रही है। ये ठीक है। हाँ, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक बार त्राटक का जो तरीका है वो फिर से बता दीजिए, और ये भी बताइए कि जिनके पास त्राटक नहीं है क्या वो पेंसिल से कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आंखों की सेहत अच्छी हो, और उसके साथ साथ फिर मैं आगे सवाल भी लूंगी। त्राटक के लिए देखो, एक तो जैसे सामने अपना अंगूठा ही कर लिया और अंगूठे को ही 1-2 मिनट ऐसे पलक बिना झपके ऐसे लगातार देख लिया, अथवा सामने कोई पेपर लगा दिया और उस पेपर पर ऐसे एक डॉट बना दिया, ऐसे काला डॉट बना दिया और इसी के ऊपर ही देख लिया, ऐसे सामने रख करके ऐसे इसी के ऊपर, आंखों के पैरेलल ही होना चाहिए, अथवा आंखों के समानांतर जैसे ये त्राटक के लिए इधर रखा हुआ है, ऐसे स्वामी जी बड़ा कठिन है, सामने आंखों के समानांतर ये त्राटक का दीपक है और लगातार उसको देख रहे हैं 1-2 मिनट। देखो एक खास बात ये भी बता रहा हूँ, ये त्राटक बहुत ज़बरदस्त है, 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक करना है, और आंखों की समस्या के वात पित्त कफ तीनों दोष भी कारण है। कफ बढ़ जाने से, वायु बढ़ जाने से, पित्त बढ़ जाने से, जैसे बच्चे बोल रहे थे आंखें लाल हो जाती है तो पित्त की वृद्धि से होती है। अभी जैसे भाई छींका छांकी में लगा हुआ है, इसको कफ बढ़ा हुआ है, तो कफ का भी प्रशमन करते हैं, वात का भी प्रशमन करते हैं, और कफ का, वात का, पित्त का प्रशमन करके आंखों की समस्या दूर करते हैं। तो ये त्राटक भी बता दिया और वात पित्त कफज जो आंख का रोग है उसके बारे में भी बता दिया, और ये देखो ये फर्स्ट क्लास, ये हमारा दृष्टि आई ड्रॉप भी तैयार हो गया है। अभी आज जो यहाँ शिविरार्थी आए हुए हैं इन्हीं को दे देंगे। चलो भाई इसको आँख में, इसको लेके आओ इधर, बहुत तो इधर लेके आओ इस भाई को जो बहुत छींका छांकी कर रहा था, इसको लेके आओ इधर। स्वामी जी तब तक सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं। हाँ सवाल ले लो। स्वामी जी रिद्धि का सवाल है, उनके बेटे को कलर ब्लाइंडनेस है और बेटे की उम्र 7 साल है, समाधान जानना चाह रहे हैं। अनुलोम विलोम करो। तो देखो जिनको भी ये कलर ब्लाइंडनेस है, ऐसे 7 साल के बच्चों से लेकर के हमारे पास में आज से 25 साल पहले एक ब्रह्मदत्त नाम का एक हमारा विद्यार्थी था, उसको भी ये था। मैंने उसको एक दिन देखा, अरे मैंने कहीं सामने जो है लाल फूल है, बोले जी लाल कहाँ है, ये तो नीला है, ये तो पीला है, और दूसरे, मैंने कहा तेरे को हो क्या गया, तो बाद में पता लगा इसको किसी किसी को 1 के 2 दिखते हैं, किसी किसी को डिप्लोपिया की प्रॉब्लम है, किसी को कल ब्लाइंडनेस है, तो वो सभी अनुलोम विलोम करें। और आँख में डालने वाली दवा ये दृष्टि,
जैसे ये बहुत तेज लगती है। अब इसको आँख नाक कान तीनों साफ करने पड़ेंगे। तो कान के लिए तो इसके कान के अंदर ये डालेंगे ईयर गेट, तो ईयर गेट से इसके कान खुल जाएंगे पूरे। तो उधर कर भाई, तो ये सबके लिए बता दे रहे हैं। उधर देखो, अब देखो, अच्छा टेढ़े उड़ जाओ। कान के आँख नाक कान तीनों में पहले हमारे घी तेल आदि डालते थे और ऊपर से रुया लगाते थे ऐसे डाल करके। उधर भी कर, इधर कर, और अब रुक जा विलोम विलोम बाद में करना। इधर ये इसको कान के अंदर जो है ये, और आँख के अंदर सीधा ले, आँख के अंदर ये दृष्टि डालते हैं ना, तो इससे तो एकदम बहुत जोरदार आँख नाक कान से सब दूर से पानी निकलता है। अच्छा स्वामी जी, पहले पानी निकले, दादी नानी जो है सरसों का तेल कान में डाल दिया करती थी, वो प्रैक्टिस भी ठीक है या नहीं? हाँ वो प्रैक्टिस ठीक है एकदम। और नाक के अंदर फिर जो है इसको बहुत देर मसाज करके स्टीम दे करके फिर ये देखो इसको, तो अब ये नाक में 10-10 बूंद डाल देते हैं। अब इसको आज तो इन सज्जन की आंखें नाक कान सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, खुल जाएंगे आँख नाक कान सब एकदम ठीक। स्वामी जी अगला सवाल वंश का है, और वंश पूछ रहे हैं अपने अपनी माँ के लिए। वो ये कह रहे हैं कि 10 साल से माँ की आंखों की नसें सूख गई हैं। अब आंखों की नसें सूखना क्या होता है, इस बारे में तो आप ही स्वामी जी बता पाएंगे, लेकिन उनकी आंखों की नसें सूख गई हैं। आंखों की नसें सूख गई हैं, उसके लिए आमल की रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शक्ति मोती पृष्टि रसराज और वसंत कुसुमाकर वाला जो प्रयोग है, ये तो आंखों के लिए खाने के लिए प्रयोग करें। दृष्टि ड्रॉप डालें, नाक में अणु तेल डालें और अनुलोम विलोम करें, तो ये आँख की नसें सूखने वाली समस्या ये तो हमने लाखों लोगों की ठीक की है। तेरे को क्या हुआ था? मुझे दूर की रोशनी दिखाई नहीं पड़ती थी, 3.75 का चश्मा लगा हुआ था। 3.75 का बड़ा चश्मा? हाँ बड़ा चश्मा था, 3.75 का। और कभी जैसे धूप अभी है ना, तो हम धूप पे बैठ नहीं सकते थे, चश्मा पहनने के बाद थोड़ा सा आराम मिलता था। अब क्या हाल है? अभी कोई दिक्कत नहीं, पूरा चश्मा उतर गया मेरा, बहुत फ्रेश है। सिर्फ दृष्टि आई ड्रॉप से योग भरपूर करते हैं। योग भरपूर क्या, दृष्टि मात्रा आई ड्रॉप डाला और योग हम भरपूर करते हैं बहुत। अब जी ये जिनको भी आंख की प्रॉब्लम है, आंखों की नसें सूख गई है, कोई भी रोग है, तो ये अनुलोम विलोम सबको करना है। बाकी ना भी कर पाए शीर्षासन सर्वांगासन, तो ये लाइव एग्जांपल है। क्या नाम है? चलो सुभाष जी। स्वामी जी अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल बीरबल ने भेजा है। जा जी। बीरबल पूछ रहे हैं कि काला मोतिया यानी ग्लूकोमा की वजह से, जरूर पूछो बीरबल का सवाल, ग्लूकोमा की वजह से आंखों की रोशनी चली गई है, क्या ये रिकवर की जा सकती है योग और आयुर्वेद के जरिए? 100% रिकवर होती है, और रिकवर करके यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी कम हो गई थी और रोशनी बढ़ा ली। एक बार खड़े हो जाओ भाई, जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा ली है। उधर भी बाबा जी बैठे हैं, इधर भी बच्चे भी बैठे हैं, छोटी बड़ी उम्र के सब, ये इतनों ने अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा ली। एक बार सबके लिए ताली बजा दो भाई। ये सब के सब ऐसे हैं, छोटी उम्र वाले भी हैं और बड़ी उम्र वाले भी हैं। अब इतनों ने अपनी रोशनी बढ़ा ली तो बाकी की भी बढ़ जाएगी। बस एक ही बात है, अनुलोम विलोम शीर्षासन सर्वांगासन करना पड़ता है। छोटे छोटे उपाय बता रहे आज, बैठ जाओ सब बैठ जाएंगे। अब बताओ सब उम्र के एग्जाम्पल हमारे पास, छोटे बच्चे भी हैं और बड़े भी। तो आंखों की रोशनी, एक बार भैरव सिंह शेखावत साहब, उनके साथ हमारा बड़ा गहरा प्रेम था, वो बोले बाबा जी सारे एम्स वाले डॉक्टर तो ये बोलते हैं कि आंखों की रोशनी एक बार कम हो जाए तो ये हटती नहीं है चश्मा। तो हमने एम्स में ही सबसे पहला एक रिसर्च किया था, जब भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति थे और वही पतंजलि पीठ के उद्घाटन में आए थे उस समय। एलोपैथी में ये बोला जाता मॉडर्न मेडिकल साइंस में कि आंखें कमज़ोर होगी ठीक नहीं होती, कान कमज़ोर हो गए, दिमाग कमज़ोर हो गया, हार्ट कमज़ोर हो गया, फेफड़ा लीवर किडनी आंतें कमज़ोर होगी, हड्डियां कमज़ोर हो गई, उसकी रिकवरी नहीं है।
आयुर्वेद में ये ताकत है कि आप कपाल भाती अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करते हैं, खान पान को ठीक करते हैं, दिनचर्या को अच्छे से पालन करते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग जीते हैं, तो डीजनरेट भी सारी शक्तियाँ रिजुवनेट होती हैं। आंखें, कान, नाक, गला, पेंक्रियाज, लीवर, किडनी, हार्ट सब रिजुवनेट होता है। एक बड़ा दर्शन आपको दे दिया है, क्योंकि लोगों में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, उसको हमने मिटा दिया है, हटा दिया है। तो सबके अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ने का वक्त हो गया है, जिसमें आप स्वादिष्ट खाना बनाकर दिखाते हैं, जूसेस बताते हैं। तो आज आप क्या हमें स्वाद से भरपूर आंखों के लिए जूस बनाकर बताने वाले हैं, जिससे बच्चे भी स्वाद से लबरेज रहेंगे? तो देखो, आज जो योग बता दिया उसमें तो शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम ये सब जारी रखेंगे। करो, फिर से करो एक बार शीर्षासन। देखो बच्चा ही करने लग गया, करके बेटी कर कर, क्या बात है, करो। ये भी छोटी गुड़िया भी करती है, शीर्षासन कर रहे हैं, सर्वांगासन कर रहे हैं ये सब बच्चे। हाँ करो, आप भी करते। हाँ आओ, इधर आओ बाबा जी सफ़ेद कपड़े वाले। और ये देखो, हमने जामुन का तो ये जूस निकाल लिया है, और आई ड्रॉप भी बता दी, और ये नस्से भी करते हैं। नस्से में तो ये नस्से में जो है ये मुलैठी और गाय का घी, इसमें वो मिला देते हैं महात्रिफला घी, और उसको नाक से, एक नाक से लो, दूसरे नाक से निकालो। हाँ ये निकाल रहे हैं इधर। हाँ, और इधर ये जो है चुकंदर, गाजर, चुकंदर और ये गाजर, ये डाल करके, और इसमें ऊपर से डाल देंगे अनार और ये जामुन। ये तो इतना ज़बरदस्त जूस तैयार हो जाएगा। तब तक आप कल का कार्यक्रम बताओ, मैं जूस निकाल करके तैयार करता हूँ। जी स्वामी जी, जूस जब तक तैयार हो रहा है, हम कल का कार्यक्रम बता देते हैं। आंखों के लिए योग गुरु ने तमाम उपाय बताए, लेकिन रिकवरी के बाद एक और मुसीबत लोगों के सामने खड़ी है, वो है हड्डियों की एक नई परेशानी, बोन डेथ। कैसे बचे इस खतरनाक बीमारी से, और क्या है योग में उपाय? हड्डियों को मिलेगी ताकत, और जोड़ों में भयंकर दर्द से मिलेगी मुक्ति। ब्लड सर्कुलेशन होगा करेक्ट, हड्डियों के गलने की परेशानी भी दूर हो जाएगी। हम ये कल जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से। तो कल सुबह 7:57 पर हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। स्वामी जी, जूस भी तैयार हो गया लग रहा है। तो देखो, ये एक साथ गाजर, चुकंदर, अनार और जामुन, उसका जूस तैयार हो गया। आपको क्या फायदा हुआ बाबू जी? तीन नंबर हटा दिए। देखो कितनी उम्र है मेरी? 71। 71, जोरदार ताली बजा दो भाई। क्या नाम है? करण सिंह। करण, लो अब आप ये और पी लो, अब आपको सुपर टॉनिक दे दिया। आराम, मुंह लगा के पी लो। अब बताओ, 71 साल की उम्र में तीन नंबर का चश्मा हटा रखा है। आ जाओ छोटे बच्चों, आपको प्रसाद देते हैं। ये आज नया जूस बना दिया हमने, गाजर, चुकंदर, अनार और जामुन। स्वामी जी, आज की इस योग कक्षा के लिए और इस पाक शास्त्र के अनुभव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप ये नन्हे मुन्ने बच्चों को भी इस जूस का प्रसाद दें और हमें इजाजत दें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रणाम। डायबिटीज भी है दोनों को ही? लो ये भी ठीक हो जाएगी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।